हेलो ब्यूटीफुल्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक कट क्रीज फिंगर टिप मेहंदी डिजाइन ट्रिक। आप मानिएगा, आई लव दिस ट्रिक, आई रियली लव दिस ट्रिक, बिकॉज जो इसके थ्रू ट्रिक के थ्रू जो हमारे फिंगर टिप आते हैं वो इतने परफेक्ट होते हैं कि कोई उसमें कमी निकाल ही नहीं सकता, बट फिर भी लोग निकाल जाते हैं। वो तो उनके लिए जिनको निकालना ही है, उनको मैं कुछ नहीं बोलती। इस टाइप यूट्यूब पर हर तरीके का बंदा है, हर तरीके के लोग हैं, तो क्यों ना हम लोग उनके साथ उनके जैसा और अपने साथ अपने जैसा बिहेवियर रखें। और उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि आई एम श्योर गर्ल्स जो नहीं जानती फिंगर टिप बनाना इक्वल तरीके से, उन लोगों के लिए तो एक जैसे कि एकदम परफेक्ट ट्रिक है, जो परफेक्शन के साथ है। और उनके लिए मैं बिल्कुल ये चीज़ नहीं बोल रही, इसीलिए बोलती हूँ बिल्कुल उनके लिए नहीं है जो परफेक्ट हैं हमेशा अपनी हर चीज़ के लिए, लेकिन ये उनके लिए है जो हमेशा सीखना चाहते हैं कुछ अच्छा और नया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग कमेंट करके जाते हैं कि हम लोग पार्लर में मेहंदी लगाना सीख रहे हैं पर वहाँ हम लोगों को मेहंदी नहीं आती, लेकिन हम अगर आप लोगों के वीडियोज़ देखते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प होती है। आप सोचिए ये चीज़ सुनने में कितनी अच्छी लगती है और हम लोगों को कैसे एक आप बोल सकते हो कि एक प्राउड फील होता है खुद में कि यस हम किसी के काम आ रहे हैं कुछ स्टेप्स बताने के साथ, ठीक है। अगर आप चाहें तो एक कट क्रीज फिंगर टिप मेहंदी डिज़ाइन पहले ट्राई करने के बाद आप बाद में भी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आजकल इस टाइप का भी तरीका चल रहा है मेहंदी में कि लोग पहले टिप बनाते हैं, उनको डार्क करते हैं, उसके बाद उन पर मेहंदी अप्लाई करते हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में कुछ अलग और नया ही ट्राई करना चाहिए, तो इस टाइप से भी ट्राई करके देख लीजिए, अलग लुक आएगा, अलग तरीके का लगेगा और अच्छा भी लगेगा। मैं आपके साथ फिंगर टिप इसलिए ज़्यादा शेयर करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है लोगों का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा है फिंगर टिप पे, जैसे कि मेरा खुद का है, तो इसलिए मैं उसमें नए नए तरीके निकालती रहती हूँ, अच्छे लगते रहते हैं मुझे और मुझे लगता है आप लोगों को भी पसंद आते हैं। तो अगर आपको ये वाला वीडियो भी पसंद आने वाला है लास्ट तक देखने के बाद, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक प्यार असल लाइक मेरी वीडियो को आगे भेजता है और फिर और लोग उसे प्यार करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी आपने लास्ट थोड़े दिन पहले मैंने एक फिंगर टिप ट्रिक आपके साथ शेयर किया था, आप लोगों ने उसे बहुत पसंद किया है। इसी तरीके से आप इस ट्रिक को भी देखिए कि आप किस तरीके से कट क्रीज करके फ्रंट और बैक, हाँ कभी कभी ये भी तो चीज़ आती है कि लोग बोलते हैं यार फ्रंट ठीक है फिंगर टिप सिखा दिया, अभी बैक पे क्या बनाएं। तो मैंने इस वीडियो में ये भी ख्याल रखा है कि ना कि सिर्फ आप फ्रंट टिप बनाएं इससे, बल्कि आपका बैक फिंगर टिप भी बहुत अच्छा हो। तो आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग में जो मैंने आपको टेप लगाने का तरीका बताया, उसके थ्रू आप फ्रंट और बैक दोनों में बहुत अच्छी कट क्रीज फिंगर टिप लगा सकते हो। सिर्फ आपको एक बीच में कट के थ्रू टेप लगाना था। ओवरऑल अगर आपके अभी भी समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाके वापस से एक बार टेप लगाने का जो प्रोसीजर है उसे चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो बार बार बोलती हूँ कि प्लीज़ लाइक करके जाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। शायद मैं आपको अपने वर्ड्स में आपको कहकर नहीं बता पाती, लेकिन सच आपका एक प्यार एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, दिल से बोलती हूँ इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो कुछ और अलग हटके आपके लिए अच्छी बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि आप चाहते हैं किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो हो और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये बताना प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। मेरे जो पुराने दोस्त हैं उनके कमेंट देख के तो मुझे अच्छा लगता ही है कि वो हमेशा साथ देते हैं, लेकिन अगर कोई नया बंदा आकर कमेंट करता है तो आई रियली बहुत मैं बोलना चाहती हूँ कि मुझे बहुत स्पेशल लगता है उस बंदे का कमेंट। तो प्लीज़ अगर आप भी चैनल पर नए आए हैं तो मुझे ज़रूर बताएं अपना जो आपका वजूद है, आपके आने का जो जरिया है वो मुझे ज़रूर बता के जाएं कि आप भी आए हैं मेरे चैनल पर, मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ के लिए। नए आइडियाज़ देना बिल्कुल मत भूलना। एंड थैंक यू सो मच गर्ल्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।